राधे राधे श्री हरिवंश। दोस्तों, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर प्रत्येक मनुष्य की बस एक ही इच्छा है, एक ही मांग है, खुश होने की मांग। हर मनुष्य खुश होना चाहता है, हालांकि अपनी अज्ञानता के कारण हम लोगों में, चीजों में और स्थानों में इस खुशी की तलाश करते हैं। दुख और पीड़ा से भरी इस भौतिक दुनिया में शांति और सुख की तलाश करते हैं। ऐसे में एक संत हैं जो लगातार अपने सत्संग द्वारा शास्त्रों में वर्णित प्रमुख सिद्धांतों को हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो संत हैं श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। महाराज जी बहुत ही पॉपुलर हैं और विशेषकर युवाओं के बीच में। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा, जो उनके वीडियो नहीं देखता होगा। एक उम्र आती है जब व्यक्ति सोचता है कि काश मुझे सही ज्ञान मिल जाता, जिससे मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाता। शायद इसी सोच को ध्यान में रखकर महाराज जी ने एकांतिक वार्तालाप शुरू किया। इस एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे जानते हैं कि आज के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। आजकल के लोगों के पास कोई बंधी बंधाई मान्यताएं नहीं है, इसीलिए उन्होंने सबको सही मार्ग दिखाने का निश्चय किया। दोस्तों, जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पास धर्म से लेकर, संन्यास से लेकर, गृहस्थ जीवन से लेकर हर एक प्रश्न का उत्तर है। और उनका उत्तर इतना अल्टीमेट होता है, इतना सही होता है कि आपको उससे सहमत होना ही पड़ता है। वो ऐसा उत्तर देते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न हो, उसका जो उत्तर होगा आप उससे पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। महाराज जी अपने दृष्टिकोण में इतने स्पष्टवादी, खुले और परोपकारी हैं कि उनके लिए हर कोई अलग अलग प्रकृति और व्यवहार के साथ अलग अलग रूपों में भगवान का ही रूप है। उनका मानना है कि हम सब भगवान के हैं, लेकिन बस हम संसार के इस भौतिकवाद के जादू में और नकली ग्लैमर में अपनी असली पहचान, उद्देश्य और लक्ष्य खो चुके हैं। महाराज जी के सत्संग इतने सटीक और निर्देशात्मक हैं कि एक तरफ तो वह क्रोध, लालच और वासना के रूप में हम सभी का सामना करने वाले सबसे जमीनी और सबसे बेसिक स्तर के मुद्दों को उठाते हैं और उन्हें दूर करने का साधन भी बताते हैं, और दूसरी तरफ वह हमारे दिलों को, हमारे मन को श्री राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं में डुबो देते हैं। वे स्पष्ट रूप से उन्हीं उपायों को बताते हैं जिनका पालन करने की आवश्यकता है। यदि कोई वास्तव में श्री राधा कृष्ण के चरणों की, श्री राधा रानी के चरणों की, श्री प्रियालाल के दिव्य प्रेम की प्राप्ति करना चाहता है, महाराज जी ने स्वयं श्री राधा रानी की अकारण और अनंत दया का अनुभव किया है, और वे उनकी निजी सहयोगी सखी होने पर बहुत गर्व भी महसूस करते हैं। महाराज जी लगातार सभी से यही आग्रह करते हैं कि श्री राधा रानी के प्रेमपूर्ण और क्षमाशील स्वभाव में विश्वास रखें, जो कि उन तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। महाराज जी का ये भी हार्दिक विश्वास है, अटूट विश्वास है कि अगर कोई श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहता है तो वो श्री राधा रानी की कृपा से ही श्री प्रियालाल तक पहुंच सकता है। महाराज जी का मानना है कि आगे आने वाली पीढ़ियां अपनी आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव और वर्चस्व के बावजूद उचित रूप से नियमित और संतुलित जीवन जीने में सक्षम हो, और ये बहुत आवश्यक भी है कि हमारे जीवन का हर पहलू हमारे शास्त्रों और हमारे गुरु द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुसार हो। दोस्तों, आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, आप लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। राधे राधे श्री हरिवंश।